अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आपसे सही होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो एक कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने हाल जो है हड़ताल की है और उन्होंने जो है वीडियो बना कर पब्लिश किया, तो वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो उसके हवाले से बात करेंगे, पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में से बात करेंगे, डोमेस्टिक लेवर के हवाले से बात करेंगे और कुवैती लोगों के हवाले से बात करेंगे। जो एक बिल पास किया गया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कुवैती नागरिकों को बाहर जाने से रोका गया था, तो उसके हवाले से बात करेंगे। तो कुछ बड़ी अपडेट है जो कि सभी जान लेना आपको जरूरी है, जो क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है दुकानों के हवाले से, चाहे वो किसी भी चीज की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, जिस तरीके भी हो, रमजान के महीने में जो है जो खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जिससे पीने की जो पानी पीने की ज्यादा चाहत होती है, तो ऐसी दुकानों को बंद किया जाए। तो ये अभी चल रहा है और रमजान के महीने में ये चीज होनी भी चाहिए। अगर जो भी चीज अगर किसी भी तरीके से मन करता है खाने के लिए, अगर उसको खा लेते हैं, पानी की इच्छा ज्यादा होती है, तो ऐसी दुकानों को अभी बंद किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोग शेयर की जाए। अगर आप भी इस तरीके की कोई दुकान वगैरह खोल रखे हैं, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है और हो सकता है आपकी दुकान वगैरह बंद हो जाए। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, फिर बात करेंगे दूसरी खबरों के बारे में। 8,899 जो है नए टेस्ट हुए हैं, टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 23,60,837, 1,253 नई केसेज आए हैं और टोटल केसेज 2,89,085 हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है और टोटल जो मौत हो चुकी है वो हो चुकी है 1,601 की, 1,213 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 2,62,582 है, 14,902 जो है अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 207। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। नए केसेस और रिकवरी जो है सेम सेम चल रही है, लगभग 50-60 या 100 का फर्क पड़ता है। बाकी इन फ्यूचर इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ ना कुछ कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा और जल्दी ही हो सकता है फ्लाइट को ओपन किया जाए। अब पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जो लोग कुवैत में रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कुवैती सरकार ने जो था एक बिल पास किया था, जिसके अंदर बताया कि चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हों, कुवैती नागरिक हों, या किसी भी तरीके से उनके रिलेशन जो भी हैं, वो लोग अगर कुवैत के अंदर रहते हैं और कहीं पर भी एग्जिट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुवैत से सफर करना चाहते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों ने कुछ ने नाराजगी जताई है और कुछ ने कहा ये कानून का खिलाफ अर्जी हो रही है, इस तरीके की जो बिल है या इस तरीके की जो पाबंदी है वो नहीं लगानी चाहिए थी। तो इस तरीके की अपडेट आ रही है निकल के। बाकी इसके हवाले से कुछ भी होता है, इसमें कुछ चेंजेस बदलाव वगैरह किए जाते हैं, तो हम आपके सामने जरूर आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है छुट्टी के हवाले से। रमजान में जो ईद आ रही है अब लास्ट में, तो ईद की जो छुट्टी रहेगी 12 मई से 17 मई तक जो है 5 दिन की छुट्टी रखी गई है सभी लोगों की, इंशाल्लाह ये छुट्टी रहेगी, आप इसको जो है मना सकते हैं अच्छे तरीके से, इसका ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफी बड़ी है और ये मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी तरीके से अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और आपको सैलरी नहीं मिली है, तो आप सैलरी के लिए अपना आवाज उठा सकते हैं और उसके लिए वीडियो बना के पब्लिश कर सकते हैं, वायरल करा सकते हैं। अभी इस तरीके की जो है एक वीडियो सामने आ रही है, बहुत समय से जो था उन लोगों को सैलरी नहीं मिली थी, उन्होंने वीडियो बनाया, पब्लिश किया, वो वायरल हो चुकी है। अब उनको जल्दी ही जो है कुवैत सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी और जिस कंपनी में उनको सैलरी नहीं मिली है वो जल्दी ही कंपनी सैलरी उनको देगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके सामने तो इस तरीके का कोई भी बात नहीं चल रही है, किसी भी तरीके से आपको तो कोई परेशानी नहीं है। ये जो चल रहा है अभी सैलरी की, बहुत सारी वीडियो अभी सामने आ रही हैं जो क्या लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। बाकी इन फ्यूचर किसी भी तरीके से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही था, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे।
आप एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप रहते हैं या कहीं पर भी कुछ भी काम काज करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको आप फॉलो करते रहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।